नया रास्ता, नया संताल विद्रोह, आदिवासी विद्रोह का आज आगाज करेंगे। आदिवासियों का हादसा, भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चासबास बचाने के लिए इसका सरना धर्म नहीं होने के कारण आज आदिवासी समाज जो है कोई ईसाई बन रहे हैं, कोई मुस्लिम बन रहे हैं। आसा भाषा जीतकर महाआदिवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन आज है। वहीं आज राज्य भर से और देश के हर एक कोने से आदिवासी रांची के मुराबादी मैदान पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन संथाल परगना नाम के एक राज्य बना था और आज ही के दिन संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये दोनों महत्वपूर्ण चीज के वजह से यह दिन विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। वही यहाँ पर सालखन मुर्मू भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हम एक नया रास्ता, नया संस्थान विद्रोह आज आगाज किए हैं। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज के कार्यक्रम का नाम है आशा भाषा जीतकर महा, अर्थात मातृभूमि मातृभाषा विजय दिवस। 22 दिसंबर 1855 को अंग्रेजों के खिलाफ एक संताल विद्रोह हुआ था और उसका प्रतिफल था संताल परगना का गठन और संताल परगना टेनेंसी एक्ट का गठन। उसी प्रकार 22 दिसंबर 2003 साल में आदिवासियों की सबसे बड़ी भाषा संताली भाषा को राष्ट्रीय मान्यता 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इस विरासत को गौरवान्वित करने वाले इतिहास के दिन को हम लोग पुनर्जीवित करते हुए ये जो झारखंड में आदिवासी भारत में दुनिया में विलुप्त हो रहे हैं, उनके साथ रोज अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो उसके लिए हम एक नया रास्ता, नया संताल विद्रोह, आदिवासी विद्रोह का आज आगाज करेंगे। आज 22 दिसंबर हासा भाषा जीतकर महा है। ये आदिवासियों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन संताल परगना नाम का एक राज्य बना था, एक दिसम बना था, और आज 22 दिसंबर का दिन 2003 को संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये बहुत ही दो महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए आज ये विजय दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और आदिवासी संगल अभियान के तरफ से हमारे पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी ये पूरा 5 प्रदेश में इसका नेतृत्व कर रहे हैं। आदिवासियों का हादसा, भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चासबास बचाने के लिए 5 राज्य में हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और जीत भी दिला रहे हैं। मैं मुनिराम हेम्ब्रम, मैं सिंगल अब कार्यकर्ता हूँ। आज हम लोग का जो भाषा का विजय हुआ है 22 दिसंबर 2003 को, उसी का विजय दिवस और यहाँ मोराबादी मैदान में हम लोग इसको मना रहे हैं। एक तरह से समझा जाए इसको कि हम लोग को भाषा का जो आज़ादी है भारत सरकार में, ये हम लोग को मिला है और इसी के हम लिए हम लोग यहाँ पर जमा हैं। और माननीय सालखन मुर्मू जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, इसका नेतृत्व में हम लोग आए हैं। इसका तो हम लोग घोर निंदा करते हैं। ये अभियान के तरफ से बिल्कुल इनका निंदा करते हैं। आज आदिवासी को इसका सरना धर्म नहीं होने के कारण आज आदिवासी समाज जो है कोई ईसाई बन रहे हैं, कोई मुस्लिम बन रहे हैं, और इनका जो है आपके चैनल के माध्यम से हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं और इनका घोर विरोध करते हैं। और जो क्षेत्रीय पार्टी है यहाँ के, जो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, इस पर अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं और इस मामले में आदिवासी की महिला के साथ जो ये घटना घटी है, इस पर इसका कोई कहना नहीं है। सिर्फ उन लोग जो है वोट की राजनीति, ईसाई की राजनीति, मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। एक तरह से सही बात है कि घुसपिटिया है, लेकिन जो यहाँ के जो मुस्लिम है ये लोग भी ठीक नहीं कर रहे हैं इस पर मामले पर, और उनका भी हम विरोध करते हैं। हेमंत सोरेन से ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर संथाली भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए और सरना धर्म को जल्द से जल्द यहाँ स्थापित किया जाए, ताकि यहाँ जो धर्मांतरण का मामला जो हो रहा है, लोग ईसाई बन रहे हैं और मुस्लिम की तरफ जा रहे हैं, उसका ब्रैकेटिंग किया जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप
हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।